भागलपुर के जीरो माइल थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पथ पर गुप्त सूचना के आधार पर दो चार चक्का गाड़ी से लगभग 50 किलो गांजा बरामद हुआ। भागलपुर के सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि एम्बेसडर गाड़ी के हेडलाइट वाले जगह पर छिपाकर उड़ीसा से कुर्सेला कटिहार जा रहे थे, जिसमें कि दो लोग पंकज कुमार कुर्सेला कटिहार और मोहम्मद मुराद सुल्तानगंज के रहने वाले थे। इमामगंज शेर घाटी जाने वाले मुख्य मार्ग पर शंकरपुर गांव स्थित स्कॉर्पियो के चपेट में आने से दो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ग्रामीण के सहयोग से बांके बाजार स्वास्थ्य केंद्र में लाकर भर्ती कराया गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने गया रेफर कर दिया। किस लिए आप लोग जाम किए हैं, क्या मांग है? मांग सरकार से जो उचित मुआवजा मिलता है उसको दिया जाए। किस लिए जाम किए हुए? रेत बुरी हो गया, इसके चलते जाम हुआ, दुर्घटना हुआ गाड़ी से। कैसे गाड़ी चला रहे थे आप लोग? गाड़ी दक्षिण से आ रहा था और मैंने बाया ने जाके दहिना चढ़ के सब रोड किनारे बैठे हुए थे 500। क्या मामला है, किस लिए जाम किए हुए? अभी तो ऐसा बात नहीं है, रोड तो देख रहे हैं कि दो एक आदमी छोड़ के दो आदमी मर गया, दो आदमी हॉस्पिटल में है अभी, रास्ता क्रम में मृत्यु हो गया हॉस्पिटल ले जाने क्रम में, और जो की स्थिति खराब है। क्या मुख्य मांग क्या है, कब तक जाम करते रहिएगा? जब तक मैंने ऊपर से डीएम एसपी नहीं आएगा तब तक लाश उठेगा नहीं। कितने लोग घायल? मौत हो गए। कैसे? हॉस्पिटल ले जाने क्रम में बोलिए कि दो आदमी की मौत हुई। हॉस्पिटल ले जाने का क्रम में दो आदमी का मौत हुआ, एक आदमी स्पॉट मौत हुआ। पटना के कदमकुआं ठाकुरबाड़ी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के कारण स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई। स्थानीय पुलिस की सहायता से बिजली लाइन कटवाने के बाद और स्थानीय लोगों के द्वारा आग को बुझाया गया। दमकल की दो गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंची। बिल्डिंग में तीन फ्लोर तक कमर्शियल ऑफिस और बैंक है, मगर बिल्डिंग में कहीं भी सीज फायर बॉक्स एवं आग बुझाने के लिए पानी जैसे व्यवस्था की कोई इंतजाम नहीं है। क्या कुछ नियम होने चाहिए जो आग बचाने के लिए होने चाहिए बिल्डिंग के अपने तरफ से? बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर का पूरा व्यवस्था होना चाहिए, बल्कि इसमें जो है कि बगल में जो कि समरसेबुल सब का व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था साथ में कि कहीं भी आग या चिंगारी मेन स्विच का जो है मेन स्विच पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बिजली का। इस बिल्डिंग का तो नाम पता नहीं है, बट ऊपर में एक फाइनेंस चलता है और नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा है, और ये वाला बिजली वाला में अचानक इसमें आग लग गया। हम लोग ऊपर सब स्टाफ ऊपर मीटिंग कर रहे थे तो अचानक यहाँ पे आग लग गया, पूरा धुआं से वहाँ काला हो गया, नीचे से लोग चिल्ला रहे, हम लोग ऊपर फंसे, कहीं जाने आने का रास्ता था नहीं। यही एक रास्ता है? हाँ, यही एक रास्ता है, समझ रहे। और ऊपर भी एक गेट है छत पे जाने के लिए, तो वहाँ ताला लगा था, तो हम लोग इमरजेंसी में उसको तोड़े और तब ऊपर आए, तो सेकंड फ्लोर पे मतलब तड़प पार करके तब हम लोग उस फ्लोर से नीचे आए। मतलब इस रास्ते का उपयोग नहीं, इस रास्ते का हम लोग उपयोग नहीं किया ना, देखो पूरा शरीर यही रास्ता हम लोग उपयोग करते हैं, बट जब आग लगा तो इससे हम लोग आ नहीं सके। आग ये लगी बिल्डिंग में क्या, कैसे? जब देखे ऊपर में धुइयां हो रहा है तो हम कंट्रोल में वायरलेस किए कि बैंक बड़ौदा में आग लग गया, सबसे पहले लाइन कटवाए, यहाँ बिजली में भटभट आवाज कर रहा है, नहीं तो तार गिर के बहुत बड़ा भत्ता हो जाता, तुरंत लाइन कटवाया, तुरंत सब जगह खबर की। सही बात है, पहले लाइट में पूरा आवाज हो रहा है। साहब विजय प्रसाद भगत, लोग कैसे निकल पाए यहाँ सर? लोग सब अंदर थे ऊपर में, दूसरे रास्ते का उपयोग किया, ये रास्ता तो एक ही है। ये रास्ता से नहीं, बगल के छत से, बगल से छत से, हम लोग बाहर से कवर कर रहे थे, वायरलेस सर सब जगह कर रहे थे। आग बुझाने के लिए यहाँ पे कुछ पानी के पाइप जो व्यवस्था होता है वो सब कुछ दिखा? नहीं नहीं, सब नहीं, ऊपर से अपना सब लाइन कटवाया था, सब बंद हुआ। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर आज पटना की सड़कों पर कई ट्रेड यूनियन और टेम्पो चालक संघ ने प्रदर्शन किया। इस दिन को प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया। प्रदर्शन के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से समाज का हर वर्ग परेशान है।